हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 12 बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं 2017, 18 एंड 19 में, उससे पहले आप कॉर्नर पे आई बटन है उस पर क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको 11th और 12th के नीट में जो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12 को, बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 2017 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में इससे दो क्वेश्चन आए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन। तो बिल्कुल नहीं होता, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बायोपायरेसी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज। तो जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक यूज के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनको अप्रूव करती है, वो आपकी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी, GEAC। आंसर हो जाएगा फोर्थ। 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में भी दो क्वेश्चन इससे आए। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। गोल्डन राइस का कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए एनरिच्ड होता है और ये जीन इसमें आई डेफोडिल से। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्राइजिनस इन बुलवॉर्म। सो बुलवॉर्म में जो ट्रिगर करता होता है अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। तो प्रोटोटॉक्सिन होता है बीटी का, वो इनएक्टिव होता है, लेकिन वो जब गट में जाता है इंसेक्ट की, वहां पे अल्कलाइन पीएच मिलने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको परफोरेट करके किल कर देता है इंसेक्ट को।